पांच दिन आप सब हमारे साथ रहेंगे, शाम 7 से 9 बजे, ठीक है? चलिए बैठ जाइए। पिंकी, हमें किताब दीजिए। आप कहानी सुनाएंगी तो देंगे? आप बैठ जाएंगी तब हम सुनाएंगे। ये क्या है? चादर। आपकी है? नानी जी। किसकी नानी? आपकी है? हाँ, मतलब हमारे पति की नानी। और आपकी नानी? हमारे नानी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप बैठ जाइए। चलिए, हरप्रीत बैठ जाइए। अरे हरप्रीत इधर आइए। पता नहीं गेस्ट रूम में हो क्या रहा है। बच्चे कौन? लागत है वो फटी साड़ी सोचत रही कि जब तक उनके पर्सनल बच्चे ना हो जाए, दूसरों के बच्चों से मन बहलाए जाए। अरे तुमको सच कुछ नहीं पता का? अरे कल पूरा दिन ये तैयारी में लगी रही। She drinks tells you. अरे वो नया बिजनेस शुरू कर दी है ना, फटी साड़ी एंड चिल्लर पार्टी। हेलो हाय बाय बाय। चिल्लर पार्टी? नानी व्हाट? खुशी बिटिया बच्चों को ट्यूशन देते, अब खुशी बिटिया यहाँ रहते तो यही बुला लिए। अब बच्चे दिन माँ स्कूल में रहते और शाम माँ खेलते तो के बाद ही ट्यूशन के लिए आएंगे ना। अरे ड्राइवर उन्हें छोड़ के आया करेगा। खुशी बिटिया का भी मन लगा रहेगा और बच्चों से घर में मस्ती का माहौल रहेगा। और फिर? फिर टहलते टहलते सुंदरी को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे है। कौन था वो और उसके पीछे क्यों था? सुंदरी ने बार बार पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की लेकिन उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। शैतान होगा। ए, पास से तन में उसका मुंह तोड़ डालूंगा। शैतानी नहीं, वरना हम आगे की कहानी नहीं सुनाएंगे। चलिए बैठ जाइए। फिर सुंदरी ने कुछ देखा, एक सुंदर सा गुलाब। कौन से कलर का दी? लाल। छोटा था या बड़ा? बड़ा सा। कांटे वाला? फिर सुंदरी चुप रही। वो गुलाब देखकर खुश तो हुई लेकिन उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे सुंदरी ने अपने कदम पीछे बढ़ाए। अमन जस्ट मेक श्योर कि मीडिया में हमारी इमेज खराब ना हो, दैट्स इट। वो गुलाब तो बहुत सुंदर था लेकिन सुंदरी बहुत डरी थी। उसे पता था कि कोई आने वाला है। आई थिंक प्रेस में कोई स्टोरी को एग्जैजरेट करके प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत बड़े मॉन्स्टर्स हैं। पीछे मचाना बंद करो। काश शैतान मैं उसका मुंह तोड़ डालूंगा। इसके पहले कि शैतान फिर से आ जाए, आप आगे की कहानी सुनाइए। ठीक है, चलो सब बैठ जाओ फिर से। सुंदरी बहुत डर गई। वो शैतान था ही इतना डरावना। फिर शैतान ने सुंदरी से दबे हुए खतरनाक आवाज में कहा, मेरे पौधों से दूर रहना। सुंदरी की हालत खराब। शैतान उसे डराता धमकाता था, कभी अपने पौधों के पास ही आने देता था। क्या ये वही शैतान है दीदी? ये सब बातें छोड़ी और आगे की कहानी सुनिए। सुंदरी हर दिन शैतान को अपने पौधों को पानी देते हुए देखती थी। शैतान की जान थी उन पौधों में और हर रात सुंदरी को शैतान के साथ बैठ के खाना खाना पड़ता था और शैतान उससे कहता था, मुझसे शादी करो सुंदरी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। सुंदरी को ये बात समझ में ही नहीं आती थी कि तुम